एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 11 नवंबर 2020। सो फ़िलहाल मैं हूँ केदारनाथ के अंदर ही और आज यहाँ को एक्सप्लोर करूँगा, देखूँगा और कुछ जानूँगा यहाँ की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में। सो फ़िलहाल यहाँ पर हमने रूम लिया था। सो रूम हम जैसे कि 5 लोग थे। सो हमें 2500 रुपये में पड़ा। सो आप मान सकते हो 500 रुपये पर हेड। आज शायद ये मेरा इंडिया टूर सीरीज़ का 40वां दिन है और मैं हूँ केदारनाथ, श्री केदारनाथ के अंदर या धाम के पास। सो चलिए चलते हैं। और मैं जस्ट जो मैंने रूम लिया था वो बिल्कुल जो मंदिर है, मंदिर के बिल्कुल बराबर में राइट साइड में ही था। यहाँ पीछे था हमारा रूम और रूम के बराबर में बिल्कुल टेंपल है, मतलब बिल्कुल जब आप एंटर करते हो सामने से। सो यहाँ से राइट साइड की साइड है। सो फ़िलहाल आप श्री केदारनाथ टेम्पल के आप क्या बोलते दर्शन कीजिए और बताइएगा कि ये वीडियो कैसी आपको लगी है। बाकी मैं यहाँ पर लोकल लोगों से भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करूँगा। सो जानूँगा इस मंदिर के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में। सो फ़िलहाल धूप बहुत तेज़ पड़ रही है मेरे मुंह पर। चलिए तो चलते हैं यहाँ से। हाँ, इधर से हर जगह यहाँ प्रसाद मिलता था। 100 का 200 का 50 का प्रसाद मिलता है, उसको आप अंदर जाके चढ़वा सकते हैं वैसे। फ़िलहाल यहाँ पर मैं किसी अननोन लोगों से इंटरेक्शन करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि उनका रिएक्शन कैसा रहता है और मैं उनको बारे में अपने बताता हूँ कि मैं एक एज अ मुस्लिम यहाँ पर ट्रैवल कर रहा हूँ इस जगह। सो चलिए चलते हैं। भैया आप कहाँ से हुए? मेरा नाम सुमेर मोहम्मद सली, मतलब बेसिकली मैं मुस्लिम हूँ और यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए आऊँगी। पिछले ऐसे 40 दिन से मैं इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। सो आप इसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर ये टेम्पल के बारे में? हाँ, अरे टेम्पल ये एक्चुअली भोलेनाथ का टेम्पल है। जैसे पांडवों ने जब वो करा था क्या नाम है ये युद्ध हुआ था उनका महाभारत, तो वहाँ पर उन्होंने पूरा परिवार खत्म कर दिया था ना अपना। अच्छा अच्छा। तो उस चीज़ में भोलेनाथ जो है वो नाराज़ हो गए थे, तो तपस्या करने आए थे यहाँ पर पांडव। तो भोलेनाथ को गुजरना था यहाँ से, तो उन्होंने देखा पांडव तपस्या कर रहे, तो वो नंदी का वेश लेके यहाँ से चले थे वहाँ पर। तो भीम ने उनको देख लिया, भीम ने पकड़ लिया पीछे से। भगवान भी ताकतवर थे, भीम भी ताकतवर थे। भीम ने पकड़ा पीछे से, वो यहाँ से उन्होंने जमीन के अंदर मुँह डाला और वो मुँह खुला पशुपतिनाथ नेपाल में। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर पीछे भीम ने पकड़ा हुआ था, सर वहाँ निकला, पीछे यहाँ रह गया। अब ना वो आगे बढ़ पाए ना पीछे, तो यहीं पे पत्थर के बने हो। अच्छा अच्छा। तो वही चीज़ अंदर मंदिर में सामने आपको जो दिखती है ना, वो जो बोलते हैं, तो वही चीज़ है भगवान का पीछे का कुबड़ वाला पोर्शन, वो है। बाकी 400 साल तक तो ज़मीन में दबा रहा था। हाँ, ऑलमोस्ट 400 साल ये ज़मीन के अंदर दबा रहा, फिर भी ये ऐसे ही है। ऊपर से यहाँ जो स्टोन यूज़ करे गए यहाँ के नहीं है, इस पहाड़ियों के कहीं नहीं मिलते ऐसे स्टोन। अच्छा, जो ये स्ट्रक्चर में लगे स्ट्रक्चर, तो ये पूरा का पूरा उठा के लाया गया है सारे स्टोन। तो कैसे लाए हैं वो नहीं पता। अब बोलते हैं पांडव ने बनाया, लेकिन कुछ श्योरिटी नहीं है। हाँ, यही है यहाँ। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? दीपक। फ़िलहाल मेरे साथ है किशन भाई, जो मुझे इस टेंपल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है, आरती का क्या टाइम होता है और क्या क्या प्रसाद चढ़ाया जाता है, कितना उसका चार्ज पड़ता है, सभी कुछ है। हाँ जी, काफ़ी कुछ है बताने को। हाँ, मैं शुरू करता हूँ। आप मंदिर को दिखाओ पहले। हाँ, ये ये केदारनाथ मंदिर है। ये फेमस हुए हैं आफ्टर वो 2013 के बाद ये फेमस हुए, क्योंकि ये ना ये आप देख सकते हो पीछे की साइड ये जितना भी है ये सब पहाड़ में टूट गए थे फ्लड की वजह से। लेकिन ये जो मंदिर है, मंदिर ऐसे का ऐसे ही है, तो इस वजह से इसका थोड़ा सा यू कैन से कि वैल्यू इसका बढ़ गया है। और आपको यदि आरती की बात बताऊं तो आरती मॉर्निंग में नहीं होती है, इवनिंग में ही होती है। 6 से होती है और कभी कभी टाइम, हाँ 6 से ही होती है। कभी कभी तक देखी थी कि लास्ट हो गई थी वो, नहीं बट कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे वो उसकी वजह सीजन की वजह से चेंज होते हैं। तो अभी तो कल हम लोग 7 बजे किए थे, ऐसा है। बीच पीछे ही हूँ, बीच में नहीं हूँ, बैठल बीच में ही लेकिन बीच पीछे। कर लो आप, कर लो अभी काफ़ी मिल जाते मेरे को। साइड में चले गए, ठीक है, थोड़ी लाइटें पड़ गई ना। पर अभी पहले आओगे गर्मी के सीजन में तो पहले होंगे, 6 बजे होंगे। अच्छा, अच्छा। ऐसा है। और तो इधर साइड में है जो जहाँ से आप पूजा का सामान खरीद सकते हो और क्या प्रसाद खरीद सकते हो। हाँ, ये प्रसाद है बेसिकली, ये प्रसाद चढ़ाने के लिए होते हैं। प्रसाद आप खरीद सकते हो, बहुत महंगे नहीं, 100, 150, 200, 300 इतना ही है मैक्स, 300 तक है। अच्छा है, काफ़ी चीज़ें फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं, जैसे बाहर बद्रीनाथ वगैरह में जाओ और नीचे रामेश्वर टेम्पल वगैरह में जाओ, सेम ऐसे ही हर जगह वहाँ पे भी ऐसे, सेम ऐसे यहाँ पे भी है, पैसे भी उतना ही है, कोई वो नहीं है अलग। तो जगह जगह यहाँ पर स्टॉल भाई लोग को दिखा दो, भाई लोग अपने ये कंपनी वाले। ये है भाई हमारे मोहित, मुकुल और संस्कार, ठीक है। वो पीछे का नज़ारा, जब ऊपर से बादल फटा हुआ, पानी बहुत तेज़ी से आया था मेरे साइड में, और उसके जो मंदिर है उसके आगे एक जो बड़ा सा पत्थर है वो आके रुक गया था, जिससे कि मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो बच गया था, बाकी यहाँ आसपास सब कुछ ख़त्म ही हो गया था। तो फिलहाल अभी कोविड के टाइम पे यहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं देख सकते हो। यहाँ पर सबसे स्पेशल मतलब यहाँ पर वो बना रखे हैं गोल, आप मंदिर के अंदर जाकर मदद कर सको। और अभी भाई इसका सबसे मेन चीज़ बता दूँ, दीपावली के 2 दिन बाद ये बंद हो जाता है कपट, तो यहाँ पर बेस्ट बिफोर क्या मैंने पढ़ा था कुछ 4 कपाट होते हैं स्पेशल, यहाँ पर 4 कपाट होते हैं। भले यार मतलब कपाट का मीनिंग क्या है? नहीं, कपाट मतलब दरवाजे जो तो खुलने के होते हैं। अच्छा, दरवाजे। हाँ जी, कपाट कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे वो चीज़ है। तो ये बेसिकली एक इधर से एंटर है, एक इधर से है, 3 है और एक पीछे भी है। चलिए, तो आई होप आपको ये शॉर्ट्स जो है वो आपको पसंद आए होंगे, सिनेमेटिक शॉर्ट्स। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, sumer.chaudhary। मैं वहाँ पर ऑलरेडी सभी के रिप्लाईज भी करता हूँ और लाइव स्टोरीज डालता रहता हूँ। चलिए चलते हैं और फिर आपको एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप बस अपना ध्यान रखें और घूमते रहिए, घुमाते रहिए। बाय।